एक घना जंगल था जहां सभी जानवर चैन से रहते थे। उस जंगल में एक ताकतवर शेर भी रहता था जिसे जंगल का राजा माना जाता था। एक दिन जंगल के किनारे एक नन्हा बच्चा भटक गया। वो रो रहा था क्योंकि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। डॉट शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और बच्चे की आवाज सुनी। पहले तो शेर ने सोचा कि ये एक शिकार होगा, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तो वो एक मासूम बच्चा था। बच्चे की आंखों में आंसू देखकर शेर का दिल पिघल गया। वो बच्चे के पास आया और उसे अपने बड़े बड़े पंजों से हल्के से छूकर शांत किया। शेर ने सोचा कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उसने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और जंगल के हर कोने में उसके माता पिता को खोजने लगा। सभी जानवर आश्चर्यचकित थे कि शेर, जो आम तौर पर इतना खतरनाक माना जाता था, आज कितनी कोमलता से उस नन्हे बच्चे की देखभाल कर रहा था। डॉट कई घंटों बाद शेर को जंगल के दूसरे किनारे पर बच्चे के माता पिता मिल गए। वे बहुत परेशान थे और अपने बच्चे की खोज में थे। जब उन्होंने शेर को अपने बच्चे के साथ देखा तो पहले वे डर गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि शेर ने उनके बच्चे को प्यार से उसके माता पिता के पास छोड़ दिया और बिना किसी इनाम के चुपचाप वापस जंगल की गहराई में चला गया। उस दिन से जंगल के सभी जानवरों ने शेर को न केवल राजा बल्कि एक सच्चा रक्षक भी माना।